आपकी इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने पहले आपसे आपकी जमहूरियत चोरी की है, अब ये आपसे आपका रूल ऑफ लॉ भी चोरी कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अब ना खड़े हुए अपने आज़ादी के लिए और कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा है ये वक्त है कुर्बानी का, अगर आज आप ना खड़े हुए आप चूंटियों की तरह भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे, जो पहले भी आप रह रहे थे, लेकिन अब आपके हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने हक के लिए नहीं खड़ा होता उसकी यही हालत होती है। ये नहीं कि ऊपर से जुल्म हो रहा है, होता ये कि नीचे से जुल्म होने देते हैं। तो आपने अगर ये जुल्म कबूल करने अपना हक नहीं मांगना, फिर आप अपनी मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर चुके हैं। अब कल का एहतजाज इस्लामाबाद में हम सब उसमें शामिल होंगे, मैं हम फिर से इंशाल्लाह कह रहे हैं हमारे बच्चे भी साथ शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, हमें जेलों में डालना चाहते हैं, डाल दें। इमरान खान कहते हैं जेल भर दो, और फिक्र ना करें, अभी जेलें भरी जा रही हैं। अभी हम वहाँ खड़े थे, इस वक्त हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ 1000 कारकुन उठाए गए हैं, 1000। आपके पास जेल में गुंजाइश नहीं है, जितने हम लोग हैं जो जाने को तैयार हैं जेलों में, कितने लोगों को भरेंगे? पूरा पाकिस्तान आप जेलों में भर दें, हम तैयार हैं। 1000 गरीबों को आपने जाकर अब अंदर भरा है, कोई बात नहीं, बाकी हम सारे भी कल मौजूद होंगे, कल इस्लामाबाद से भी आप उठा लें हम सबको।